हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। दोस्तों इस स्टॉक ने अभी तक काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस ओनली हमें 600 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाती हुई देखने को मिलेगा। दोस्तों इसका प्राइस हमें रफली 2000 के आसपास में जाते हुए देखने को मिला, हालांकि वहां से इस स्टॉक ने काफी अच्छा खासा करेक्शन शो किया है, जिसके वजह से इसका प्राइस 1800 प्लस में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस यहां से भी काफी आगे जाती हुई हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ इन्फोसिस लिमिटेड के रिगार्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 1% से अबव का गिरावट शो किया है। हालांकि हम बात करेंगे पिछले 6 मंथ के इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 11% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 30% के आसपास का मुनाफा दिया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे पिछले 5 ईयर का, तो पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 280% से अबव का मुनाफा दिया है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें सबसे अधिक दिनों का, तो इस स्टॉक ने अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है दोस्तों, और फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 2500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना परसेंट का हमें खरीदारी होती हुई देखने को मिला था, तो यहाँ पे 70% के अप्रोक्स में जबरदस्त तरीके से यहाँ पे खरीदारी हो रहा है। दोस्तों ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में भी इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 1300 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था, वहां से इस स्टॉक ने 1950 प्लस का हाई शो किया है, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे ₹5 हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी शो किया था, जिसके वजह से इस स्टॉक ने काफी अच्छा खासा रैली शो किया। दोस्तों इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आने वाला है, और इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट काफी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इसका डेट भी डिक्लेयर है, यहाँ पे डिविडेंड एंड इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट का यहाँ पे 13 अप्रैल का डेट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इस दिन डिक्लेयर हो सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे इनकी प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे ओनली 13% के आसपास का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे रिजर्व फंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफी इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो हमें एकदम से यहाँ पे 0 फिगर देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे भी हमें एकदम से 0 फिगर देखने को मिल रहा है, यानी कि 100% कंपनी डेट फ्री भी है। दोस्तों आईटी सेक्टर में जबरदस्त है स्टॉक, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे फिक्स एसेट की बात करेंगे, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है, और एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हमें यहाँ पे फिक्स एसेट का फिगर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस 2500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने मिल सकता है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे 7,92,000 प्लस का फिगर है, जो कि बात करेंगे सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पे 4.22 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफी निचले स्तर पे है, यानी कि जो इसका प्राइस है वो भी फिलहाल हमें काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें रेवेन्यू के रिगार्डिंग, यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों वही हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी अपने आप में काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी देखने को मिला है। स्टॉक दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसे क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात करें दिसंबर क्वार्टर में कितना सेल्स शो किया था कंपनी ने, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा खासा यहाँ पे सेल शो किया था अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सेप्टेम्बर क्वार्टर।
दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग का, डीआई की होल्डिंग का, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का। तो यहाँ पे ओनली 13% के आसपास का होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे एफआई का होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, और यहाँ पे डीआई का होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो शेयर होल्डर रिटर्न भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में स्टॉक की प्राइस हमें काफी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करें अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत और हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 1820 रुपए के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 2500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।